विजिलेंस की टीम ने देहला गांव के एक मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ने में सफलता हासिल की है। विजिलेंस को पिछले कई दिनों से इस मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए एएसपी विजिलेंस सागर चंद की अगुवाई में और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर 990 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। विजिलेंस की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। ऊना जिला के गांव देहला में विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। दवाइयों को विजिलेंस की टीम ने कब्जे में लेकर मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी विजिलेंस सागर चंद व ड्रग इंस्पेक्टर ऊना पंकज की अगुवाई में टीम ने देहला स्थित एक मेडिकल स्टोर में दबिश दी, जहां पर तलाशी के दौरान स्टोर से 990 कैप्सूल ट्रामाडोल के बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान मेडिकल स्टोर का मालिक कोई जवाब नहीं दे पाया। डीएसपी विजिलेंस सागर चंद ने बताया कि पिछले काफी दिनों से देहला के मेडिकल स्टोर में नशे की प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की सूचना मिल रही थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर दबिश दी, जहां से काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मेडिसिन है, इसका नाम ट्रामाडोल है। ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत शेड्यूल में ये साइकोटॉपिक सब्सटेंस इसे घोषित किया गया है। ये एक नशे वाली दवाई है जो इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से काफ़ी बेची जा रही है। तो हमारी विजिलेंस थाना में एक सूचना थी कि ये जो एरी मेडिकल स्टोर है देहला में, ये इस दवाई को काफ़ी बड़े स्तर पर जो आपको बेच रहा है। तो आज हमने विजिलेंस की टीम ने और ड्रग इंस्पेक्टर ऊना पंकज कुमार उनको साथ लेकर के और दूसरे जो स्वतंत्र गवाह हैं, स्कूल के लेक्चर हैं राजपाल राणा जी, तो ये सारी टीम ने आज इस यहाँ पे रेड की थी। तो तलाशी हुई, ये मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर के साथ एक छोटा स्टोर बनाया हुआ है, पीछे कैबिन बनाया हुआ है। इन तीनों जगहों में जो है कुल मिला के जो ट्रामाडोल के काफ़ी ये कैप्सूल निकले हैं, तो ये 990 करीब कैप्सूल हैं और इन्हें अब केस दर्ज कर लिया है NDPS एक्ट के तहत इस आदमी के ऊपर। एरी मेडिकल स्टोर जो इसी के नाम से है, अमरदीप नाम का व्यक्ति है ये, और इसका NDPS एक्ट के सेक्शन 8 सेक्शन 21 और 22 में जो है FIR दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसको अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा।